अगर आप भी चाहते हैं कि पिक्के भी मैथ्स का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाले घंटी का बटन जरूर दबाएं। जी हाँ, नमस्कार मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, पिक्के भी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए, अभी केंद्र सरकार की तरफ से निजी स्कूलों के शिक्षकों की भी नौकरी होगी अब पक्की। उन्होंने निजी स्कूल के शिक्षकों की भी नौकरी पक्की कर दी है, मिलेगी पहचान, अब पूर्णकालिक शिक्षक कहलाएंगे, सेवा अनुभव भी जोड़ा जाएगा। पहले यह शिक्षक रहते पढ़ाते थे और प्रिंसिपल के साथ या कुछ कारणों के कारण प्रिंसिपल उन्हें हटा भी देते थे या हट भी जाते थे, अब वो ऐसा नहीं होगा, प्रिंसिपल नहीं हटा पाएंगे। कुछ एक्ट लागू किया गया है, आप लोग जान रहे हैं कि नई शिक्षा नीति लॉन्च हुई है, उसमें बताया गया है कि 15,000 वेतन स्कूल को देना होगा, सेवा नियमावली के लिए एक्ट में बदलाव। प्राइवेट स्कूल के शिक्षक को भी 15,000 वेतन दिया जाएगा, इसके एक्ट में बदलाव किया गया है। और पता नहीं यह जो बदलाव है, यह बदलाव सरकार अपनी तरफ से भी मदद करेगी या विद्यालय सहायता कोष से ही दिया जाएगा, यह भी क्लियर जानकारी इसमें नहीं है। या हम इसके रीडिंग देते हैं, इसके बाद क्या मिलती है जानकारी हम बताएंगे आपको। आखिर कुछ तो जो संशोधन हुआ है, तो कुछ न कुछ उपाय सरकार ज़रूर लगाई होगी, या तो अपनी ओर से कुछ सहायता करेगी या कोई ना कोई उपाय तो लगाना ही पड़ेगा। चलिए हम पढ़ते हैं। सूबे के अगर ऐसा हुआ कि निजी स्कूलों के शिक्षकों की नौकरी पक्की हो गई और 15,000 का महीना स्टार्ट हो जाएगा, तो समझे कि बहुत ही बढ़िया होगा, चलिए उनके लिए बहुत ही एक तोहफा है। चलिए हम पढ़ते हैं क्या है डिटेल। सूबे के निजी माध्यमिक स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों से अब अंशकालिक का ठप्पा हट जाएगा। अंशकालिक शब्द की जगह अब पूर्णकालिक शब्द होगा, इसके बाद शिक्षक को निकालना आसान नहीं होगा। प्रबंधक को, यानी विद्यालय का जो प्रबंधक होगा, निकालने का कारण ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS को बताना होगा। भर्ती किए गए शिक्षकों का पूरा ब्यौरा देना होगा। अब जिस स्कूल में शिक्षक भर्ती किया गया है, उसका पूरा ब्यौरा उसको जिला में देना पड़ेगा, और जिनसे क्या होगा, इन शिक्षकों को वेतन दिया जाएगा। कहता है स्कूल प्रबंधन और DIOS संयुक्त अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेंगे। अगर शिक्षक 4 वर्ष से या 5 वर्ष या 10 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, तो अनुभव प्रमाण पत्र भी अगर वह स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में जाते हैं, तो उसको एक अनुभव प्रमाण पत्र मिलेगा कि उन्होंने 10 वर्ष इस विद्यालय में शिक्षण कार्य किए हैं। निजी स्कूलों के शिक्षकों की सेवा नियमावली में कई महत्वपूर्ण अधिकार जोड़े गए हैं, उनका कुछ अधिकार बना है जिससे वह मजबूती के साथ नौकरी कर सकेंगे। यही नहीं, 15,000 रुपये वेतन भी स्कूलों को देना पड़ेगा। यहाँ दिया हुआ है कि 15,000 वेतन स्कूलों को देना पड़ेगा। अब यह वेतन कैसे देंगे, किस एक्ट के तहत दिया जाएगा, उसका डिटेल हम आगे देखते हैं। प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों की सेवा नियमावली के लिए माध्यमिक शिक्षा एक्ट में बदलाव किया जा रहा है, यानी जो नई शिक्षा नीति का प्रारूप आया है उसमें ऐसा बात रखा गया है जो जुलाई से प्रभावी हो जाएगी। देखिए उसके बाद क्या होता है, वास्तव में मिल पाता है या यह बात पेपर में ही रह जाता है। कहता है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे ने बताया कि सेवा नियमावली के एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है, संशोधन के बाद इसे लागू किया जाएगा। उधर लखनऊ शिक्षक खंड के MLC व माध्यमिक वित्तहीन शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष उमेश द्विवेदी कहते हैं कि इससे वित्त विहीन स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। अगर इस तरह की व्यवस्था हुई तो वास्तव में शिक्षकों की बहुत राहत मिलेगी। अगर यह ठप्पा हट गया तो वास्तव में बहुत अच्छा होगा। चलिए हम आगे डिटेल देखते हैं। एक अन्य अखबार है, उन अखबारों में भी यही बात दिया गया कि निजी स्कूलों के शिक्षकों की नौकरी होगी अब पक्की। और देखिए दूसरा पेपर कटिंग है, 15,000 वेतन स्कूल को देना होगा, सेवा नियमावली एक्ट में बदलाव, यानी 15,000 वो भी बता रहा है कि देना पड़ेगा। अब देखिए कैसे मिलेगा, यह तो बताया जाएगा। और हिंदी कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं, शिक्षा नीति के मसौदे से हिंदी की अनिवार्यता खत्म। जो नई शिक्षा नीति आया था उसमें बताया गया था कि त्रिभाषा नियम चलेगा, तो तमिलनाडु के तरफ हंगामा हुआ कि हम लोग पर हिंदी थोपा जा रहा है। उसमें दिया गया था त्रिभाषा में कि एक तो बच्चे को हिंदी पढ़ाना अनिवार्य होगा 8वीं क्लास तक, दूसरा अंग्रेजी, और तीसरा बच्चे अपने मन से कोई भाषा ले सकते हैं। तो तमिलनाडु के तरफ वहाँ के सांसद विधायक और MLC जो ये सब है, नेता सब है बड़े बड़े, और कार्यकर्ता ने भी विरोध प्रकट किया है कि हम पर हिंदी भाषा थोपा जा रहा है। इस पर सरकार ने तुरंत शिक्षा नीति में बदलाव किया और हिंदी पढ़ाने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। देखिए और क्या होता है, यह नियम जो नई शिक्षा नीति का है यह जुलाई से प्रभावी होगा, इसमें क्या क्या नियम संशोधन हो पाता है और क्या क्या रह पाता है,
अगर कुछ जानकारी मिलेगी तो हम आपको बताएंगे। उसी में दिया गया कि 15,000 वेतन मिलेंगे, वास्तव में मिल पाता है या नहीं या तो नई शिक्षा नीति लंच होने के बाद ही पता चलेगा, अभी तो उसका प्रारूप आया है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं कि पीके भी मैथ्स का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाले घंटी का बटन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बस दुआओं में याद रखना है।